छोटका हटा के बड़का लगा के, छोटका हटा के बड़का लगा के, पढ़ाई वाला वीडियो छोड़ के दोसर जब ते देखबे, ए बबुआ बिगड़ जइबे छोड़ी के जब चल जइबे। तो देखो इधर। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं 5 से गुना करने का ट्रिक जिसका नाम है छोटका हटा के बड़का लगा के, छोटका हटा के बड़का लगा के, ठीक ना। इसको बहुत अच्छा समझेंगे, यानी किसी भी संख्या में अगर 5 से गुना करना है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस छोटका हटा के बड़का लगा के, ठीक ना। इस बात को ध्यान देना है। लाइव क्लास छोड़ के जब दोसर वीडियो देखबे, ए बबुआ बिगड़ जइबे छोड़ी के जब चल जइबे। तो देखो, देखते हैं तो इसको खूब अच्छे से देखिएगा। अगर इस वीडियो को देख रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखिएगा दूसरा वीडियो देखेंगे तब बिगड़ जाएंगे जब छोड़ के चल जाएंगे। पढ़ाई वाला वीडियो छोड़ के दोसर जब ते देखबे, ए बबुआ बिगड़ जइबे छोड़ी के जब चल जइबे। तो देखो इधर, यहाँ 5 से गुना करना है तो कोई भी संख्या लेते हैं, यहाँ 23 × 5 है, यहाँ पर 10 वो संख्या उतार लेते हैं, 27 × 5, 26 × 5 और 28 × 5, इसी प्रकार से 2 × 4, 5 × 5, 3 × 4, 6 × 5, 4 × 2, 4 × 5, 8 × 9, 6 × 5, 7 × 4, 2, 3 × 5 ऐसे है, ठीक ना। इस तरह से छोटा छोटा संख्या 12 से 12 संख्या लेकर के आप गुना कीजिएगा 5 से, ठीक ना, बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर छोटका हटा के बड़का लगा के इसका मतलब क्या है तो ध्यान देना है कि छोटका कहा गया है दशमलव का, छोटा कहा गया है दशमलव को, आज जब इसी को बड़का कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको कहा गया है बड़का को। तो छोटका हटा के बड़का लगा के पद खत्म। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आधा करेंगे, क्या करेंगे आधा। ये गुना करने से पहले एक काम करना है, इसको आधा करें, किसी भी संख्या को आधा करेंगे। 5 से गुना करना होगा तो 5 को छोड़ के बाकी दूसरे संख्या से जो गुना कर रहा है, 5 में 23 है, 5 में 27 है, 5 में 26 है, 5 में 28 है, तो इसको क्या करेंगे आधा करेंगे, कच्ची आधा। तो आधा करेंगे तो 23 के अध्य कितना होता है तो 11.5, यानी 11.5, ठीक ना, 11.5। इसका आधा कितना होता है तो 13.5। इसका आधा कितना होता है तो 13, कितना होता है 13। इसका आधा कितना होता है 14, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ध्यान देना है, कह रहा छोटका हटा के, बस खाली दशमलव हटा दो तो 23 में 5 से गुना कर 115, है ना, खाली छोटका हटा दो, 27 में 5 से गुना कर 135, ठीक ना। तो छोटका हटा के अगर आधा करने के बाद में दशमलव आया तो दशमलव को हटा दीजिए तो आपका गुणनफल कंप्लीट हो गया, ठीक ना। यहाँ पर इसको आधा करेंगे तो 13, बताओ 26 में हम गुना करेंगे 5 से तो 13 आएगा, लोग कहेगा मर दिया पगला गया है आदमी, है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, खाली बड़का लगा देंगे तो 26 में 5 से गुना कर देखो 130, इसमें गुना करो 140, है ना, समझ में। ऐसे ही इसको करेंगे तो 1, 2 और 2.5, इसको करेंगे तो 1, 7, 3, इसको करेंगे 2, 1, 2, इसको करेंगे 4, 4, 8, इसको करेंगे तो यहाँ पर 3, 7, 1, 1.5, है ना, इतना आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जिसमें दशमलव है तो उसको हटा देना है, दशमलव को हटा दो, गुणनफल कंप्लीट हो गया। इसको करेंगे तो 0 लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखिए आधा कर दिए हैं, आंसर नहीं आया है, 1 0 लगा देंगे, कंप्लीट हो गया। इसको आधा किए हैं, आंसर नहीं आया है, 1 0 लगा देंगे, कंप्लीट हो गया। इसमें दशमलव है, इसको हटा देंगे, कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। जय हिंद।